फैज, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब आप सबसे पहले जो हर सवाल में करते हो डिफरेंशिएट कर दो इसे, डिफरेंशिएट करो तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख लो एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए। जीरो के इक्वल रखोगे, अच्छा e की पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव एक्स हो जाएगी। एलसीएम लो, जो e की पावर एक्स डिनोमिनेटर में होगा जीरो से उधर लेके जाओगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा। माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टू उधर आके 1/2 मतलब 0.5 हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो ln, अच्छा ln 0.5 होता है माइनस 0.69314। और अच्छा जिस चीज़ का आप लॉग निकाल रहे हो उसकी पावर गिवन है, तो पावर पहले आ जाएगी मतलब 2x, फिर ln e होगा और ln e आपको पता है 1 के बराबर होता है तो 2x ही खाली बच जाएगा। और यहाँ आपके पास ये है, 2 को डिवाइड कर दोगे इससे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस 0.3465, ठीक है। अभी आपके पास एक x की वैल्यू आ गई, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, या तो इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं और पता करते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो आप लोग इस वाले फंक्शन का, तो आपके पास वही आ जाएगा। इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, दोनों सेम है फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा क्या करो, जो भी पॉइंट है एक्स वो पुट कर दो इसके अंदर। जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे, अब मैंने आपको भी बोला है ई की पावर कुछ भी हो आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है आपके पास, और यहाँ आपके पास ई पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में e की पावर माइनस एक्स है और x क्या पहली माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव और ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, और वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम या लोकल मिनिमम आप बोल दो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब आप फंक्शन की वैल्यू किस तरह निकालोगे, इस वाले पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट कर दो। अच्छा फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव ये दोनों सेम है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपके पास फंक्शन की आ जाएगी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू आगे फंक्शन की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगी एक्स की, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 2 - 2x मतलब 2 कॉमन ले दो 1 - x, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ये एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 पहले आ जाएगा 0 - 1 मतलब सेकंड डेरिवेटिव -2 आ जाएगा आपके पास। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब d²y/dx², ठीक है, ये आपके पास आ गया -2 के बराबर, मतलब f" (x) बराबर है -2 के अंदर, -2 के बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक्सट्रीम वैल्यू पुट करोगे तो वो -2 ही रहेगा, क्योंकि ये आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन, तो -2 ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2 मतलब लेस देन 0 है, तो आपका फंक्शन 1 पे रिलेटिव मैक्सिमम है। जब 1 की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, प्रोसेस उनमें यही है, तो अगर आप लोग करना चाहो तो कर लो, वरना प्रोसेस चाहिए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें डिफ्रेंसिएशन बड़ी हो जाएगी थोड़ी आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास x की पावर नहीं, x/(nx) ये आपके पास, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं करवाया, मैंने आपको ये इसलिए करवाया क्योंकि 5 ईयर में ये भी आया हुआ आपके पास, ठीक है। तो ये तो आपके टीचर्स करवा देंगे, प्रोसेस दोनों में सेम ही है, लेकिन ये आपके टीचर्स करवा देंगे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को 5 ईयर का करवा देता हूँ। जिस तरह ये करना है उसी तरह ये करना है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी की थी ये वाला करवाने के लिए, तो मैंने कहा ये करवा देता हूँ, ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, ln x/x, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, किस तरह निकालोगे, u/v मतलब क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दो उसके ऊपर। क्वेश्चन रूल अप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं आता तो मेरी 4.1 की वीडियोस देख लो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करोगे आपके पास x/(x)1 होता है ln x और x² आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करो, फंक्शन को जो डेरिवेटिव है इसको जीरो के बराबर रख लो। इसको जीरो के बराबर रखोगे x² उधर जाके जीरो हो जाएगा, ln x उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा ln x के, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जब आप यहाँ आपके पास क्या मौजूद है ln x और यहाँ आपके पास है 1, ठीक है। जब आप एंटी लॉग लोगे इसका, आप मतलब एंटी लॉग लोगे तो ये वाला ln और एंटी लॉग ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा। और मैंने बताया था दूसरे साइड पे क्या होता है, जो भी इधर लॉग होता है, यहाँ कौन सा नेचुरल लॉग है, इसकी बेस क्या है e, तो जो भी चीज़ इधर होती है वो इसकी बेस की पावर बन जाती है। यहाँ आपके पास 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी बेस क्या हो जाएगी e, जो भी चीज़ यहाँ मौजूद होगी पावर बन जाएगी बेस की, बेस e है मौजूद किया 1 तो इसकी पावर बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पे नेचर वो कॉमन लॉगरिथम होता, कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है 10, तो जो भी यहाँ होता वो 10 उसकी बेस बन जाती है, और पावर जो भी यहाँ मौजूद है वो पावर बन जाता है, ठीक है।
ये आप लोग कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एंटी लॉगरिथम निकालो तो 10 की पावर गिवन होती है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर में कॉमन लॉगरिथम होता है आपके पास। अगर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है तब आप एंटी लॉग निकालोगे तो ये वाला ln तो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, और ln की बेस क्या होती है? e होती है। तो यहाँ जो भी चीज़ होगी वो e की पावर बन जाएगी, ठीक है? तो e की पावर 1 आ गया, तो e की पावर 1 e होता है आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? e आ गई। उसके बाद आप क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया आपके पास कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लो। इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस पर आप लगा दो u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, यहाँ आपके पास माइनस एक्स या माइनस टू एक्स, और यहाँ प्लस टू एक्स एल एन एक्स हो जाएगा, नीचे आपके पास एक्स फोर है, सॉल्व करोगे माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स एल एन एक्स ओवर एक्स फोर आ गया। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने नहीं किया, इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हो कि आप न्यूमरेटर से एक्स कॉमन ले लो, मतलब कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एल एन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स फोर है, तो x4 से एक x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x क्यूब बच जाएगा, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर है। इस तरह भी कर सकते हो आप लोग, बल्कि इस तरह कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद आपको पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू x इक्वल टू e आई है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो और फाइंड करो कि ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की इस पॉइंट पे, ठीक है? तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं e पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। इसी तरह x की जगह जहाँ है, जहाँ भी x होगा वहाँ मेरे पास e आएगा, माइनस थ्री ई प्लस टू ई, ये हो जाएगा माइनस ई, और एल एन ई तो वन होता है, तो माइनस ई ओवर ई फोर, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन ओवर ई क्यूब हो जाएगा आपके पास, ठीक है? अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको पता चल गया ये नेगेटिव वैल्यू है तो लेस देन जीरो है, तो मतलब इस पॉइंट पे, मतलब एक्स इक्वल टू ई पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। फंक्शन आपको पता चल गया कि रिलेटिव मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दो, जब इस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करोगे एल एन ई वन के बराबर होता है, तो वन ओवर ये आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह आप जो बुक में क्वेश्चन है एक्स ओवर एल एन एक्स, इसी तरह आप करोगे, ठीक है? उससे मेरे ख्याल में फंक्शन की वैल्यू ई आएगी, ठीक है? बस क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ये आप लोग खुद कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है इनके अंदर। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा जो 12 13 14 है इनका क्वेश्चन क्या आपके पास, आपको ये गिवन है एफ ए कॉमा बी रियल नंबर, ये मैंने आपको चैप्टर में वन में बताया हुआ है कि ये चीज़ आपके पास डोमेन होती है, मतलब एक्स वैल्यूज, और ये आपके पास होता है रेंज होती है आपके पास, ठीक है? मतलब वाई वैल्यूज होती है आपके पास, ठीक है? अब उन्होंने बोला हुआ क्या है, ये फंक्शन की जनरल फॉर्म दी हुई है, और हर सवाल के आगे लाइक क्वेश्चन नंबर 13 के आगे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस पाए बाय टू और बी आपके पास है पाए बाय टू, मतलब फंक्शन में जो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्स की जो वैल्यूज पुट कर सकते हो वो माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक पुट कर सकते हो, इनके दरमियान दरमियान पुट कर सकते हो, इनके अलावा कोई पुट नहीं कर सकते, मतलब ऐसी वैल्यू ना हो जो पाई बाय टू से बड़ी हो, ये पुट नहीं कर सकते, मतलब पाई नहीं पुट कर सकते आप, ठीक है? इसी तरह माइनस पाई बाय टू से कोई आपके पास वैल्यू है इस इंटरवल के दरमियान जो वैल्यूज है वो सब पुट कर सकते हो, इसके बाहर आप पुट नहीं कर सकते, तो ये आपको फंक्शन की गिवन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी गिवन है, ठीक है? इसी पैटर्न पर बाकी भी करोगे, एक ही कॉन्सेप्ट है सबके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप इसको जीरो के बराबर रखो, कॉस टू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वन ओवर टू के बराबर हो जाएगा। अच्छा कॉस इनवर्स 0.5 किसके बराबर होता है, देखो कॉस इनवर्स 0.5 एक पाई बाय 3 पे भी होता है और एक नेगेटिव पाई बाय 3 पे भी होता है, ठीक है? दोनों पे कर होता है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पाई बाय 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू निकालोगे 2 डिवाइड होगा तो पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 दोनों वैल्यूज आपके पास x की आ जाएंगी। अब इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो फंक्शन में पुट करोगे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, और फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये किस तरह पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप क्या करो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसे, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये वाला आ गया। अब क्या करो, सबसे पहले पाई बाय 6 इसके अंदर पुट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब पाई बाय 6 पुट करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी जो नेगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो है, तो आपके पास इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? इसी तरह जब माइनस पाई बाय 6 आप डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही जो ग्रेटर देन जीरो होती है, तो इस वाले पॉइंट पे आपका फंक्शन रिलेटिव मिनिमम होगा। तो आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट कर दो। अब देखो पाई बाय 6 इस रेंज के दरमियान है तो आप फंक्शन में पुट कर सकते हो, सॉरी इस डोमेन के अंदर है, मतलब इस इंटरवल के अंदर है जो आप फंक्शन की डोमेन मतलब एक्स वैल्यू पुट कर सकते हो ना, पाई बाय 6 उसके दरमियान है। क्यों? पाई बाय 2 आपके पास क्या होता है 90 डिग्री और पाई बाय 6 आपके पास क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है? उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आती है, तो पाई बाय 6 इस डोमेन में शामिल है आपके पास, तो आप पुट कर दो पाई बाय 6।
पाई बाय सिक्स पुट करोगे आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद माइनस पाई बाय सिक्स पे आपका फंक्शन मिनिमम है, तो आप फंक्शन के अंदर पुट कर दो। अच्छा, माइनस पाई बाय सिक्स भी पुट कर सकते हो। रेंज आपकी क्या, डोमेन क्या है, माइनस पाई बाय टू मतलब माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 60 कहाँ होगा, माइनस 60 इधर होगा, कहीं मतलब सॉरी माइनस 60 कह रहा हूँ, माइनस 30, ठीक है। तो माइनस पाई बाय सिक्स भी डोमेन के अंदर शामिल है, तो आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हो। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पुट किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। माइनस पाई बाय सिक्स के अंदर पुट करोगे साइन टू मल्टीप्लाई माइनस पाई बाय सिक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय थ्री। और साइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका एंगल नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो साइन माइनस पाई बाय थ्री किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय थ्री के। उसके बाद माइनस एक्स, एक्स आपके पास क्या है, माइनस पाई बाय सिक्स, तो माइनस माइनस पॉजिटिव पाई बाय सिक्स बच जाएगा। इसी तरह आप इसकी भी कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी।